नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। डीडवाना में ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नई ईदगाह में नायब शहर काजी सादिक उस्मानी ने और पुरानी ईदगाह में शहर काजी रेहान उस्मानी ने नमाज अता करवाई। इस अवसर पर शहर काजी ने अपने खुतबे के बाद मुल्क में अमन और मोहब्बत के साथ उन्नति की दुआ करवाई। साथ ही सामाजिक सौहार्द के लिए हजारों लोगों ने एक साथ दुआ पढ़ी। वहीं त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आया। बारा में अग्रवाल सेवा समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी में दीपक गुप्ता डीएफओ को भी शामिल किया गया। सभी 25 सदस्यों को संस्थापक सदस्य नियुक्त किया गया। इस दौरान सभी सदस्यों का शहर की अग्रवाल धर्मशाला में समारोह आयोजित कर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि 19 से 22 जुलाई तक सार्वजनिक धर्मशाला में दर्द निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के छावनी इलाके में व्यापारी सुरेश धोबी की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने बताया कि 4 जुलाई को सुरेश धोबी की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी कुलदीप, राहुल और प्रदीप को गिरफ्तार किया है। विगत 4 जुलाई को प्रातः एक दुकान के सामने एक वृद्ध व्यक्ति की डेड बॉडी मिली, जिसका सिर कुचला हुआ था। काफ़ी प्रयासों के बाद उसकी पहचान एक सुरेश धोबी नाम के व्यक्ति के तौर पर हुई, जिसके बारे में ये जानकारी मिली कि वह अपने परिवार से कई वर्षों से दूर रहता था। वहीं उसकी प्रेस की दुकान थी और उसी के आगे एक पत्थर पर सोया करता था। उसकी हत्या किसने और किस मकसद से की, एक बड़ी अनसुलझी पहेली थी। पुलिस के लिए बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी प्रवीण जैन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें जिले के कई थानाधिकारियों को और साइबर टीम को शामिल किया गया। काफ़ी मशक्कत के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान अभय कमांड पर एक टीम को लगा करके और उस दिन के आसपास के सारे फुटेज खंगाले गए, तो एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति नज़र आए। उनमें से एक व्यक्ति का उतरना और एक सरिया नुमा हथियार को ले जा करके उस पर प्रहार करना पुलिस के संज्ञान में आया, लेकिन जो फुटेज थे वो इतने धुंधले थे कि वो व्यक्ति कौन है इसकी पहचान करना बड़ा मुश्किल था। इसी दौरान कुछ और तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए साइबर टीम के द्वारा, जिससे एक व्यक्ति लोकेट हुआ जिसके संपर्क में थे। उस व्यक्ति को डिटेन किया गया और उससे गहनता से अनुसंधान करने पर इन 3 व्यक्तियों की पहचान हुई। पहचान के बाद इनकी धरपकड़ के प्रयास किए गए और अंततः इनको पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया। अनुसंधान से ये तथ्य सामने आया कि इन 3 व्यक्तियों में कुलदीप, राहुल और प्रदीप नाम के 3 व्यक्ति जो थे वो इस अपराध में संलिप्त थे। सरमथुरा उपखंड से होकर गुजरने वाली पार्वती नदी में पानी की आवक तेज होने से खुर्दिया घाट पर बने पुल के ऊपर तेज बहाव से पानी जा रहा है। वहीं पुल के पानी में डूब जाने से सरमथुरा से बसेड़ी जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे दर्जन भर गांवों का संपर्क टूट गया। होड़ा तहसील के लक्ष्मीपुरा गांव में शमशान तक जाने के लिए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां शमशान तक जाने के लिए सड़क नहीं है। इतना ही नहीं, यहां शव का अंतिम संस्कार करने के लिए शेड तक नहीं बना हुआ है। सबसे ज्यादा समस्या बरसात के समय में होती है। बारिश के कारण दाह संस्कार के लिए भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं जब यहां एक शव का अंतिम संस्कार करते हुए लकड़ियां गीली हो गई तो ट्रैक्टर कंप्रेसर से हवा मारकर लकड़ियां सुखानी पड़ी। कालंद्री थाना क्षेत्र के काकिंद्र गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर कालंद्री थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और कालंद्री के CHC में पोस्टमार्टम के लिए शव को रखवाया। मृतक की पहचान सनपुर निवासी प्रभराम पुत्र दीपाराम के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जावाल नगर पालिका के ग्राम विकास अधिकारी फाउलाल ने बैंक से लेन देन और विभिन्न कार्यों को चालू रखने के साथ अवैध पट्टे वितरण करने के मामले में SIT टीम ने जावाल नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज खंगाले।
चौहान ने बताया कि जवाल के उप चेयरमैन नारायण लाल माली ने ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध नगर पालिका बनने के बाद भी ग्राम पंचायत की बैंक आईडी चालू रखकर लेन देन करने और नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने की शिकायत के आधार पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल ने जांच प्रतिवेदन डायरेक्टर ऑडिट विभाग को भिजवाया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।